बच्चों, पहले हमने गुणा की थी और गुणा हमने दो तरीकों से करनी सीखी है, और हमने इस पे कुछ सवाल भी आपको अभ्यास के लिए दिए थे। तो आज हम गुणा का एक और नया प्रकार सीखते हैं कि किस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। जैसे एक आसान सा सवाल है कि मैं अगर 32 को गुणा करता हूँ 5 से, तो हम इसको कैसे गुणा कर सकते हैं? अगर हम इस 32 को देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक क्या है 30 और एक दूसरा 2। 30 और 2 को जोड़ने के बाद 32 आता है। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से इन दोनों को गुणा करेंगे और बाद में गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो पहले 5 को किससे गुणा करेंगे? सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 5 × 10। इसी प्रकार जमा का निशान है, फिर हम 5 को 30 से गुणा करेंगे। जब हम 5 को गुणा करेंगे 0 से, तो 0 आएगा और 5 × 3 = 15। तो ये 150 है और ये 10 = 160, तो हमारे पास उत्तर 160 आ जाएगा। एक इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं कि अगर हमारे पास संख्या है मान लो 523, और इसको हमें गुणा करना है मान लीजिए 6 से, तो इस संख्या के कितने हिस्से हो सकते हैं? वही स्थानीय मान की तरह हैं कि एक इकाई का अंक 3 है, दहाई के स्थान पर 2 है तो 20 आएगा, और सैकड़ा के स्थान पर क्या है 5 है तो 500 आएगा। तो ये 3 है हमारे, 3 इसके प्रसारी संकेतन में या 3 टुकड़े बन जाते हैं। तो हमें गुना करना है 6 से, फिर वही जब हम 6 से गुना करेंगे, पहले 3 को करेंगे 6 से गुना, जब 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा, फिर जमा, फिर हम 6 को दोबारा फिर किससे करेंगे? अगला जो हमारे पास है वो 20 है, तो जब 6 को 0 से करेंगे 0 और 6 × 2 = 12, फिर ऐसे ही 6 को गुना करेंगे किससे? 500 से। तो जब 500 से गुना करेंगे तो ये 0, फिर दोबारा 0 से 0 और 5 × 30। अब हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। हम इसको अगर यहाँ नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इनको यहाँ पर ये जोड़ के देख लेंगे। 3000 + 120 + 18, और इनको जोड़ते हैं तो 18 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, फिर ये 1, ये 3138, 3138, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये भी एक गुणा करने की विधि है। इस विधि का प्रयोग हम कई बार पहाड़े बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, अगर हमें थोड़े आते हैं, मतलब इस विधि से पहाड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो हमने पहले जैसे गुणा की विधियां देखी हैं कि पहले तो वही है हमारी जो आम विधि है, आपने नंबर 1 पे देखा ही है ना कि अगर मान लो 122 है ये 123 है, इसको गुना करना है मान लो 6 से, तो हम ऐसे ही करते हैं, 6 × 3 = 18, हासिल 1 आ जाएगा, और 6 × 2 = 12, और 1 हासिल 13, हासिल फिर वही 1 आएगा, और 6 को 1 से करेंगे 6 × 6, और 1 हासिल जोड़ते हैं तो 6 और 1 = 7। एक दूसरा हमने जो किया था वो दूसरा ये किया था कि अगर हम क्या है कि 100 या छोटा करके देख लेते, वैसे कर सकते हैं कि हम 15 का गुना करते हैं 23 से। तो हमने जो दूसरी विधि की थी वो ये थी कि हम पहले इसका एक 2 × 2 के वर्ग बना लेंगे, तो ये 15 से गुना कर रहे हैं तो 15 यहाँ 1 और 5 2 अंक, और ये यहाँ ऐसे किया था, तो ये जितने भी वर्ग हैं इनको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो 5 को पहले 2 से दोनों अंक को गुना करेंगे, और ये जो ऊपर वाले खाने हैं उसमें लिख देंगे, इकाई का अंक यहाँ आएगा, दहाई का अंक यहाँ आएगा। जैसे 5 × 10 0 इकाई का अंक है, ये दहाई का, यहाँ 2 × 1 = 2 ये है, यहाँ पर नहीं है कोई अंक तो यहाँ 0 लिख सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर ऐसे ही ये 3 को फिर पहले 5 से गुना करेंगे, फिर 3 को 1 से गुना करेंगे। जब 3 को 5 से गुना करते हैं तो 3 × 5 = 15, 15 और 2 अंक है 15 में, इकाई का अंक 5 है तो दहाई का 1 है। ऐसे ही 3 को फिर 1 से करते हैं, 3 × 3 और यहाँ पर 0, फिर इनको ऐसे मैंने बताया था ना ऐसे, तो यहाँ पर 5, फिर ऐसे 3 और 1 = 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, ये दूसरा अंक, फिर ऐसे 2 और 1 = 3 = 0 = 3,
और ये जीरो है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 345। ये दूसरी विधि। ऐसे ही हमने आज तीसरी विधि भी करी थी कि अगर ये जो तीसरी विधि है ये मतलब कि तीनों विधियों से किया जा सकता है, जिस सवाल के लिए आपको जो आसान लगती है वो उससे किया जा सकता है। यह छोटे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही आसान तरीके हैं, क्योंकि इससे हम सीखते हैं कि बच्चा कैसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसे ठीक तरीके से गुना करता है, और वो गुना के बारे में सीखता भी है, समझता भी है कि गुना किस तरह कार्य करती है। अब यही था, मान लो अब हमने किया था 123 को 6 से गुना किया था, तो वही अभी ये हम इससे अगर हमें प्रसारी संकेतन आता है या हमें स्थानीय मान आता है तभी तो करेंगे ना। 3 इकाई के स्थान पर है तो ये 3 रहेगा, 2 दहाई के स्थान पर है तो 2 दहाई 20 के बराबर होता है, और 1 सैकड़ा के स्थान पर है तो 1 सैकड़ा 100 के बराबर होता है ना, तो इन जमा करके यही आएगा। तो हम इसको गुना किससे कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 6 से। जब हम इसको 6 से गुना करेंगे तो एक एक अंक को करते रहेंगे, पहले 6 को इससे करेंगे तो 6 * 3 = 18 आ जाएगा, फिर 6 को 20 से करेंगे, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 * 2 = 12, फिर इससे करेंगे 6 को 100 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 600, फिर इनको जोड़ लेंगे। अगर ऐसे जोड़ना आसान है ठीक है, नहीं तो आप यहाँ जोड़ कर देख सकते हैं, 600 * 120 * 18। इकाई का अंक एक सीध में, दहाई का अंक एक सीध में, अगर सैकड़े का अंक है तो यहाँ आएगा, नहीं है तो वो खाली जगह रह जाएगी। जब जोड़ेंगे 0 में 0 तो 0 ही आएगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आएगा, 6 और 1 7, ये 738 आ जाएगा, तो आपका उत्तर 738 आ जाएगा। इस प्रकार आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सवाल को कर सकते हैं। हमने आपको अलग अलग विधि से ये गुना करनी सिखाई है। एक छोटा सा एक सूत्र भी सीख लेते हैं साथ ही, ताकि हम लोग गुना को आसानी से कर पाएँ। कुछ सूत्र भी हैं हमारे पास, जैसे अगर हम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई 5 वाली संख्या है, और जैसे 15 * 15 ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है जैसे 25 * 25, ऐसी संख्याएं अगर पिछले अंक 5 हों, या तो 5 या इनका जोड़ 10 इकाई के अंकों का जोड़ 10 होना चाहिए, मेन तो ये फार्मूला है, पर हम 5 5 से करेंगे पहले, अगली बार हम दूसरों करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले 5 को 5 से गुना करके लिख देंगे, 25 आ जाएगा। अब दोनों अंक जैसे है ना, तो इसमें एक अंक बढ़ा देंगे, इसमें ये 1 था ना, 1 का क्या बन जाएगा 2, 1 का क्या बन जाएगा 2, फिर 2 को इससे गुना कर देंगे तो 2 * 1 = 2, ये 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 * 1 तो ये आ जाएगा 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये आसान तरीके से हम, अगर ये पिछला अंक 5 है और अगले अंक समान है तो हम आसानी से गुना कर सकते हैं। ये गणित में कुछ सूत्र हैं आसान से गुना करने के। अब 5 को 5 से करेंगे ना, तो 5 को 5 से करेंगे 25 आ जाएगा ना, फिर 2 से 1 अंक बढ़ा देंगे, 2 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 को इस 2 से गुना करेंगे, 3 * 2 = 6, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आसान है ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। एक और उदाहरण देख लेते हैं ना, तो जैसे ये है कि 45 ले लेते हैं, 45 * 45, वही पहले इन दोनों को 5 को 5 से गुना करेंगे 25, ये तो गुना करो ना करो पिछला तो 25 ही आएगा, क्योंकि जब 5 को 5 से गुना कर रहे हैं पिछला अंक 25 ही आएगा। अब आपने इसमें एक अंक बढ़ाना है, 4 से जब 1 बढ़ाएंगे तो ये 5 बन जाएगा ना, और 5 को इस 4 से गुना करेंगे तो 4 * 5 = 20, ये आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। एक दो मैं आपको अभ्यास कार्य दे देता हूँ ना, क्योंकि अभ्यास कार्य भी जरूरी है। हाँ, अभ्यास कार्य एक ये है, आपने 35 को गुना करना है 35 से, और ऊपर यहाँ लिखना। दूसरा आपका ये है, आपने 75 को गुना करना है 75 को 75 से करना। एक और देख लेते हैं, 3 55 ले लेते हैं, 55 को गुना करना है 55 से, और उसी प्रकार हमने 3 विधियों से जो सवाल किए हैं उन 3 विधियों का भी कुछ अभ्यास कर देख लेते हैं। पहली विधि वही है जो मैंने अभी बताई कि आपने 213 लेना है, उसको गुना करना है
सात से, तो इसको आपने टुकड़ों में तोड़ के गुना करना है, यहाँ ये आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरा दूसरा सवाल ये है, आपने इसको जो हमारी प्रचलित विधि है गुना करने की, उससे गुना करना है 357, इसको गुना करना है आपने 25 से। और एक ये है जो मैंने अभी बताया था कि हम वर्ग बनाकर खाने बना के कर सकते हैं, ये है इसको 78 गुना 36 ले लेंगे, और इसको आपने इस विधि से करना है, दो खाने लगा लेने हैं 2 बाई 2 के, और ऐसे 7 को यहाँ 8 को यहाँ, और फिर ये 3 और 6 यहाँ करना है। अब आप इसको कर लोगे इस विधि से, ये 3 सवाल हैं और इसी के साथ ये समाप्त है, और कल हम कुछ और सवाल करेंगे। धन्यवाद आपका।